अस्सलाम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन दोस्तों के लिए जो कि अपना 1000 सब्सक्राइबर और 4000 जो वॉच टाइम कंप्लीट कर लेते हैं और फिर एडसेंस के अकाउंट के लिए अप्लाई करते हैं, वो भी अप्रूव्ड हो जाता है। तो जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद कुछ सेटिंग हैं जो करनी बहुत लाजमी हैं, जो कि वीडियोस को ऑन करना और एड्स पे लगाना, वो सारा जो है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सेटिंग किस तरह होंगी। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह होगा। ये आ गए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ से स्टूडियो में जाएंगे। ये देखें, ये दोस्तों मेरा चैनल मोनेटाइज तो हो गया था। यहाँ से हम जाएंगे वीडियोस में, कंटेंट में। किसी के पास वीडियोस आते हैं, किसी के पास कंटेंट आते हैं, तो आप यहाँ से कंटेंट क्लोज़ कर लेता हूँ मैं। यहाँ से ये आ गया मेरे चैनल। ये कंटेंट में आ गए हम लोग। तो ये हमारे वीडियोस पड़े हैं। तो ये देखें, यहाँ पे ऑफ ऑफ आ रहा है, सामने जो मोनेटाइजेशन है वहाँ पे नीचे ऑफ ऑफ लिखकर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये अब जो है चैनल तो मोनेटाइज हो गया है, लेकिन इनकी ये सेटिंग ऑन करनी होगी ताकि जो है चैनल। ये देखें, टोटल वीडियोज़ जो है मेरे 30 हैं, 36 जितने भी हैं। तो ये सारे के सारे एक साथ ही अगर आपको करने हैं ऑन, तो इसको चेक को ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। जितने भी आपके वीडियोज़ हैं सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ये देखें आप, जैसे ही सारे सिलेक्ट हो जाएं तो आप एडिट में जाएंगे और फिर मोनेटाइजेशन में यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखें, यहाँ पे अगर ऑन है तो ठीक है, अगर ऑफ है तो आप उसको ऑन कर दीजिएगा। मेरा तो ऑन है, अभी ऑन है। यहाँ पे मैं एड सेटिंग में जाऊँगा और ये सेटिंग आ गई। तो इसमें ऊपर अपडेट टैक्स एंड ऊपर वाले को मैंने अपडेट टैक्स ऑफ एड्स इसमें मैंने क्लिक कर दिया। तो ये नीचे सारी ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। तो ये सबको आपने भी सब पे जो है ना वो चेक लगाना है। तो ये देखें, इन चारों को सिलेक्ट करके फिर जो है हमें ये देखें अपडेट वीडियोस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ये हो गया, इस पर क्लिक कर दूंगा मैं। ये यहाँ पर चेक लगा दिया वीडियोस में, हो गया। ये देखें, ये सेटिंग करनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब यहाँ से चलेंगे हम चेक लगा कर वीडियोस अपडेट। ये देखें अपडेट हो रहा है। अब यहाँ जहाँ जहाँ पे ऑफ है यहाँ पे ऑन हो जाएंगे ऑटोमेटिक, सारे के सारे जो है वो ऑन हो जाएंगे। तो ये देखें, एक साथ जितने भी वीडियोस थे वो सारे के सारे ऑन हो चुके हैं दोस्तों। और यहाँ पे साइड में जो पब्लिक लगा हुआ है वो पब्लिक भी आप लगा दें, प्राइवेट नहीं रखें उसको पब्लिक, ताकि पब्लिक को शो हो आपके एड्स वगैरह। तो
ये देखें, ये डॉलर्स का निशान आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ से असल में पहले के जो तीन वीडियोज़ हैं उनको ना लेटेस्ट जो है उनको सिलेक्ट करके, असल में मोनेटाइज जब भी होता है कोई भी चैनल तो लोग जो है ना ज़्यादातर बस उस पर जो है ना कहते हैं कि हमारे पास पैसे आने लगे हैं, हम लोग एड्स चलाएं ये करें। तो आपकी जो लेटेस्ट तीन वीडियोज़ हैं ना उन पे चेक हटा दें और फिर बाद में एक महीने के बाद जो है ना आप उसको सिलेक्ट कर वापस सिलेक्ट करके सारे चेक लगा कर फिर जो है ना उसको अपडेट करें। तो बाकी सारे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा लेकिन लेटेस्ट तीन जो हैं उन पे जो है ना हटा दीजिएगा। तो ये सेटिंग मैं अपने लेटेस्ट तीन जो हैं उन पे कर रहा हूँ, तो मैं भी एक महीने के बाद जो है इन पे चेक लगाऊंगा। तो ये यहाँ पे आ गया, सेव हो गया। तो इतनी जल्दी मोनेटाइज होने के बाद आपके पास व्यूज़ और ये ना इतनी जल्दी नहीं आएंगे, इसमें टाइम लगता है और इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, प्रमोशन करने पड़ते हैं। तो ये सब वक्त वक्त होता रहेगा। यहाँ से सेटिंग में जाएंगे हम, यहाँ से अपलोड डिफ़ॉल्ट में जाएंगे, मोनेटाइजेशन में जाएंगे। ये देखें ये चेक लगे हुए हैं ना, यहाँ से ये चेक हटा देंगे हम और ये चेक हटा देंगे। बाद में एक मंथ महीने के बाद जो है हमने लगा दिया है। YouTube जो है ना वो आपको सर्च करता रहता है कि ये किस तरह इतनी जल्दी ये क्या